हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक आरो के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से, और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हज़रत यूसुफ़ की कब्र का वाक्य। जी हां, हज़रत यूसुफ़ के एपिसोड तो मैंने देख लिया, उनका सीरीज़ मैंने पूरा देख लिया जो प्रॉफिट यूसुफ़ सीरीज़ थी, लेकिन हाउएवर उसके आगे क्या हुआ, किस तरीके से उसकी लाइफ आगे बीती, वो मैंने मिस आउट कर दिया। तो क्या उसके आगे के भी एपिसोड्स की कोई पार्ट है, कोई सीरीज़ है, कोई मूवी है जिसे मैं देख सकूँ, जिससे मुझे हज़रत यूसुफ़ के आगे की लाइफ के बारे में पता चल पाए? तो यहाँ पर बात आती है उनकी कब्र का वाक्य, तो शायद इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए। बट अगर कोई मूवीज या कोई सीरीज है तो प्लीज लेट मी नो ऑन दैट पार्ट, बिकॉज मुझे प्रॉफिट यूसुफ बहुत 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 अमेजिंग सीरीज लगी थी। तो पहले आइए इस वाक्य को शुरू करते हैं कि इसमें ऐसा क्या बताया गया, हजरत यूसुफ की कब्र का क्या वाक्य है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का वाक्य। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस कायनात में मौजूद आदे हुसन के मालिक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की रूह कब और कैसे कब्ज़ की गई। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद मिस्री और इसराइलियों के दरमियान किस बात पर इख्तिलाफ़ हो गया? आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक दुनिया की सबसे बड़े दरिया के नीचे क्यों दफन की गई, और यहूदी आज इस ताबूत की खोज में क्यों लगे हैं? इसलिए वीडियो को मोहब्बत के साथ एंड तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ने हर नबी को खूबसूरती, हुसन और बेहतरीन आवाज़ वाला बनाकर महफूज फरमाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खूबसूरत हुसन से नवाजा गया था, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुसन का आधा हुसन अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अता किया था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद में मौजूद सबसे तवील और सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत किस्सा है। इस किस्से में किस तरह सुतेले भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हसद की बिना पर कुएं में फेंक दिया, और इस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाज़ार में बतौर ग़ुलाम बेच दिया गया, और अजीज़ी मिस्र की बीवी ने आपको जेल में कैद करवा दिया। लेकिन तमाम मसाइब व मुश्किलात और आजमाइशों के बावजूद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक दिन मिस्र के ताकतवर हुक्मरान के ओहदे तक पहुँच गए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के ओहदे पर फाइज हुए तो एक लंबी मुद्दत के बाद अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने वालिद और ख़ानदान से मिलाने का फ़ैसला किया, लिहाजा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना के साथ मिस्र आए, और 40 सालों बाद बाप बेटे आमने सामने हुए। दोनों का दिल तड़प उठा और दोनों देर तक एक दूसरे से गले लगकर खूब रोते रहे। रिवायतों के मुताबिक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पूरे ख़ानदान, यानी बनी इसराइल, आपके 11 भाई और इनकी अहलियाँ, बच्चे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पोते पोतियाँ सब ने मिस्र में आकर सकूनत इख्तियार कर ली, और मिस्र के बादशाह ने बनी इसराइल को ज़मीन का एक टुकड़ा दिया जहाँ उन्हें आबाद होने की इजाज़त मिली। आहिस्ता आहिस्ता मिस्र में बनी इसराइल बहुत ताकतवर हो गए। हकूमती ओहदों से लेकर तिजारत और सियासत में भी इसराइलियों ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 100 बरस हुई और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 147 बरस के हुए, तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली जाए, लिहाजा मलकुल मौत ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली। जब अपने वालिद की वफ़ात की खबर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिली तो अपने सर से ताज उतार कर फेंक दिया, और इनके बदन पर जो रेशमी लिबास था उसे फारा पारा कर दिया, और बेचैनी के आलम में दौड़ते हुए अपने वालिद के जनाजे पर पहुँचे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बाप के जनाजे को देख कर बेतहाशा रोने लगे और रोते हुए आसमान की तरफ देखा। यकायक आसमान के दरवाजे खुलते गए और अंबिया की रूहें और फरिश्ते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जनाजे के अतराफ आए। उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जनाजे को नूर से गुसल दिया, उन्हें बैतुल मुकद्दस में दफन किया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस रूहानी नज़ारे को देख रहे थे। जनाजे की नमाज अदा करने के बाद आप अलैहिस्सलाम अपने दरबार में वापस आए।
आप गमों से चूर थे, बाप की जुदाई अब आपके बर्दाश्त से बाहर थी। रात हुई तो दरियाए नील के किनारे गए, मुसल्ला बिछाया और रोते हुए पूरी रात नमाज अदा की। यहाँ तक कि सुबह हो गई, उस वक्त जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए यूसुफ, आपके वालिद की उम्र तमाम हो चुकी थी, इसलिए खुदावंद ने उन्हें अपनी तरफ बुला लिया, लेकिन अभी आग का वक्त नहीं आया, लिहाजा अपने रब की इबादत कीजिए और इस ज़िंदगी को आखिरत के लिए मुजयन कर लीजिए, क्योंकि मौत का वक्त आ गया तो मोहलत नहीं दी जाएगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद की वफात के बाद फिर सर पर कभी ताज नहीं रखा, ना कभी मुस्कुराए और हर रात दरियाए नील के किनारे जाकर अल्लाह की इबादत करते। इस तरह 20 साल गुजर गए, यहाँ तक कि एक रात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि उनके वालिद याकूब और दादा इसहाक अलैहिस्सलाम इनसे कह रहे हैं कि ए यूसुफ, अब हमारे मिलने का वक्त करीब आ चुका है, 3 दिन के अंदर हमारी मुलाकात होगी। रिवायत है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन 3 दिनों में बाप को देखने की ख्वाहिश में इतनी गरियाबजारी की कि इनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी इन 40 सालों में इतनी गरियाबजारी नहीं की होगी। बस तीसरे दिन मलकुल मौत आए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए यूसुफ, आपकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और आपके आबाऊ अजदाद आपके मुंतज़िर हैं। लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सर तस्लीम खम किया और मलकुल मौत ने इनकी रूह कब्ज़ कर ली। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह जिस्म से जुदा हो रही थी तो भाइयों ने गरियाबजारी करना शुरू कर दी। बनी इसराइल में वावेला मच गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपके जनाजे को उठाया गया तो मिस्रियों ने जनाजा देख कर शोर मच गया। हर जानेब से आओ फोगा की आवाज़ बुलंद होने लगी। अब मिस्रियों का हर कबीला और ग्रोह ये चाहता था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके इलाके और ज़मीन में दफनाया जाए ताकि इनकी बस्ती में खैर व बरकत हो। एक ग्रोह ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कनान के दरवाजे पर दफन किया जाए, कुछ ने कहा कि किसी और जगह। बस अल्लाह ने इस वक्त दरिया नील के पानी को बंद कर दिया और अचानक नील सूख गया। लिहाजा अल्लाह के इस कुदरत से अहले मिस्र समझ गए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को नील में दफन करना चाहिए ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मुबारक को छू कर गुजरे और तमाम मिस्र वाले इस पानी से बरकत हासिल कर सकें। चुनांचा यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को संगे मरमर के संदूक में बंद करके दरियाए नील में दफन किया गया। रिवायतों के मुताबिक जब एक अरसे बाद बनी इसराइल फिरौन मिस्र के ग़ुलाम बन गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रहनुमाई में उन्होंने मिस्र से हिजरत की। लिहाजा हिजरत के दौरान मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भूल गए और बनी इसराइल नील के करीब भटकने लगे। बनी इसराइल ने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें सही रास्ता ना मिला तो बनी इसराइल के बुजुर्गों ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात से पहले ये वसीयत की थी कि अगर तुम लोग कभी मिस्र से निकलो तो मेरे ताबूत को भी अपने साथ ले जाना। लिहाजा जब तक आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक को अपने साथ ना ले जाएंगे रास्ता नहीं मिलने वाला। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? इस वक्त एक बूढ़ी औरत के सिवा बनी इसराइल में किसी को ना पता था कि वो ताबूत कहाँ मौजूद है। लिहाजा वो बूढ़िया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक झील के पास ले गई जिसके पानी का रंग अजीब व गरीब था। बूढ़िया ने कहा कि इस पानी को निकाल दो। जब ऐसा किया गया तो ज़मीन नज़र आने लगी। लोगों ने वहाँ खुदाई शुरू की जिसके बाद एक कब्र जाहिर हुई जिसमें वो ताबूत मौजूद था और मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत को निकाला और आगे का रास्ता तय किया तो आपको रास्ता मिल गया और आप इस ताबूत की बरकत से अर्ज़ मुकद्दस पहुंच गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन पहुंचकर इस ताबूत को किसी खुफिया मकाम पर दफन कर दिया। इस वाक़े का जिक्र अहदनामा कदीम में किताब यसू में मौजूद है। इसी तरह यहूदियों की एक मुकद्दस किताब जेनेसिस रिबा में भी इस किस्से का जिक्र आया है। मूसा अलैहिस्सलाम इस ताबूत को लोगों से छुपाकर किसी नामालूम जगह पर क्यों दफन किया? इसका इलम सिर्फ अल्लाह को ही है और इसके पीछे क्या हिकमत पोशीदा है ये कोई नहीं जानता। फलस्तीन की मगरबी किनारे पर एक शहर आबाद है जिसका नाम नाबुलस है। नाबुलस में वाक़े एबल पहाड़ी के करीब एक मकाम ऐसा है
جس پر 50 سالوں سے اسرائیلی، یہودی اور فلسطینی مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہے۔ یہودیوں کے مطابق نابلس کے اس مقام کو، جسے وہ مقام یوسف کہتے ہیں، ایک مقدس جگہ ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔ دوسری طرف علی ہرات اور ابن بطوطہ جیسے مسلم محققین نے بھی ہیبرون اور نیبولس کو ہی وہ مقام قرار دیا جہاں یوسف علیہ السلام کا مزار موجود ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودیوں نے اس جگہ قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد یہ مقام اسرائیلیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ سال 1990 میں اس مقام کو یہودیوں نے ایک آرمی بیس میں تبدیل کر دیا اور اسے یہودی ربیوں کی نگرانی میں چھوڑ دیا گیا۔ یہودیوں کے لیے یہ مقام اتنا اہم اور مقدس کیوں ہے؟ نیز یوسف علیہ السلام کے اس تابوت میں ایسی کون سی پراسراریت موجود ہے؟ یہ آج بھی ایک راز ہے۔ مائی گاڈ، تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے، چلو مجھے آگے کا تھوڑا تو پتہ چل گیا کہ کس طریقے سے پروفٹ یعقوب نبی کے جانے کے بعد پروفٹ یوسف نے کس طرح سے اپنے آگے کا جیون بتایا، اور کس طریقے سے بعد میں پھر ان کو موت نصیب ہوئی، اور کہاں پہ انہیں دفنایا گیا، اور کس طرح سے کیوں، اور کیوں یہ جو ویڈیو کا ٹائٹل کہا گیا ایکچولی یہ کافی ایپٹ ہے کہ کیوں ان کی قبر ایک راز ہی ہے، مطلب کسی کو نہیں پتا۔ اور جیسا اس میں کہا گیا ویڈیو میں، یہ بھی بتایا گیا کہ ہر پروفیٹس کی اپنی ایک خاصیت ہے، اور پروفیٹ یوسف کی جو خاصیت تھی وہ ان کے چہرے کا نور، وہ ان کے حسن کا نور تھا جو کہ الگ ہی چمکتا تھا۔ مطلب پروفیٹ یوسف کا جو نور تھا، جو شانتی تھی، جو بیوٹی تھی، جو کامنس تھی ان کے چہرے پہ، وہ الگ تھی۔ تو واقعی یہ کافی انٹرسٹنگ تھا پروفیٹ یوسف کے بارے میں جاننا اور ان کی قبر کے بارے میں جاننا، اور ایون آج تک اتنے ٹائم پہلے، مطلب 4000-5000 سال پہلے سے لے کے آج تک راز کا راز ہی چل رہا، مطلب اس پہ ڈیفینیٹلی کتنی اسٹڈیز ہوئی ہوں گی، کتنے لوگوں نے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہوگی، مگر وہ پھر بھی آج تک راز ہے۔ یہ اپنے آپ میں قابل تعریف ہے کہ آج تک کوئی اسے ڈیکوڈ نہیں کر پایا۔ اور جیسے میں نے بولا، پلیز مجھے لیٹ می نو کہ اگر میں ان کے پروفیٹ یوسف کی لائف کا آگے کا بھی حصہ دیکھ پاؤں، واقعیوں کے تھرو نہ بٹ کسی موویز یا سیریز کے تھرو، تو وہ ریئلی ہیلپ فل ہوگا، بیکاز میں واقعی دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ پروفیٹ یوسف کی سیریز ہم نے کمپلیٹ کی تھی۔ تو پلیز ہیلپ می آؤٹ آن دیٹ پیٹ۔ امید کرتی ہوں یہ واقعہ سن کے آپ کو بھی اتنا مزہ آیا جتنا مجھے مزہ آیا۔ تو میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے جائیں، نمستے، سسکرائب، بائے۔